चौधरी चरण सिंह के विचारों को उनके संदेश लेकर जन जन तक एकता और सद्भावना और एकजुटता के लिए खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में निकली चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का मंगलवार को 10वां दिन 10 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू हुई रथ यात्रा चौधरी साहब की जन्मस्थली नूरपुर की मड़ैया पहुंची। 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर चौधरी साहब की जयंती पर रथ यात्रा का समापन पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी करेंगे। सर्वप्रथम चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। नूरपुर में चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रालोद के राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार, जिलाध्यक्ष हापुड़ रविंदर सिंह, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर, खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव सतवीर घिस्सा, व्यापार सभा क्षेत्रीय अध्यक्ष हेमंत मिश्र, खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनुभव ओडी त्यागी साथ रहे। उधर राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपने का भारत बनाना है तो युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा। युवा हमारे देश की रीढ़ है, युवजन परिवर्तन के प्रतीक हैं। जयंत चौधरी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए देने की घोषणा की है। जयंत चौधरी ने नारा दिया है कि खिलाड़ियों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में। इस अवसर पर चौधरी नीरपाल सिंह ने केंद्र सरकार से चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग उठाई। इस दौरान खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा को गांव-गांव, कस्बों, शहर में भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमेशा खुशी है कि हम लोग 15 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बाकी ये गठबंधन में तय होगा कि गठबंधन में हमें कितनी सीटें दी जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम सीटें लें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का रिजल्ट 100% है। अभी आपने देखा कि राजस्थान के अंदर हमारा एक विधायक, एक टिकट मिला, एक विधायक लड़ा, वो जीत गए, 100% हमारा परिणाम रहा। यहाँ पर भी लोकसभा में ऐसा होगा, जितनी गठबंधन में सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी 100% सारी की सारी सीट हम जीतने का काम करेंगे। और बिना राष्ट्रीय लोकदल के अब केंद्र में सरकार नहीं बनेगी किसी की। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि हमारा बेस वोट सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। बाकी हो सकता है अभी ये हमारे नेता जैन चौधरी जी तय करेंगे कि पूरब में भी उस तरफ भी किसी को लड़ाया जाए, कोई प्रत्याशी उतारा जाए, ये गठबंधन में तय होगा, ये नेता ही तय करेंगे। लेकिन हमारा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कि हम यहाँ एक ताकत बनकर उभर रहे हैं और आज जैन चौधरी वाकई एक ताकत बनकर उभरे हैं, उससे भाजपा भी बौखला गई है। तो हमारा फोकस यहाँ पर है, हमें अगर गठबंधन में 15 लोकसभा सीट मिलती हैं, हम 15 की 15 जीतेंगे, राष्ट्रीय लोकदल 15 की 15 जीतेंगे। लेकर आए और चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा चौधरी साहब के विचारों को लेकर, उनका संदेश लेकर गांव-गांव जा रही है, जन जन तक जा रही है और इसके माध्यम से किसान भाइयों को और ख़ास तौर से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि चौधरी साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। हम आपसी भाईचारा कायम करने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और सर्व समाज के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गांव-गांव जाकर, जन जन तक जाकर चौधरी चरण सिंह रथ यात्रा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि चौधरी साहब के पद चिन्हों पर चलकर, चौधरी साहब के आदर्शों को अपनाकर, उनकी नीतियों पर चलकर एक सशक्त नए भारत का निर्माण करें, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करें। लोकसभा का चुनाव सर पर है, ताकि सब एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ सब पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मजबूती से लगें।